अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट वहीद अहमद। मेरे खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डोमेन और रेंज देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें, डिस्कस होंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.1। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बिलो एंड स्केच द ग्राफ ऑफ जी। और ग्राफ बनाना भी हम इसकी सिर्फ डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे। अब देखें, डोमेन और रेंज, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास डोमेन क्या है। अब देखें, एक फंक्शन है हमारे पास, लेट से फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x+3। ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब इसमें क्या होगा, आप अपनी मर्जी से एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप लेट से एक्स को अगर 1 पुट करते हैं तो वाई हमें क्या मिलेगा, वाई हमें 5 मिल जाएगा। अगर हमारे पास एक्स 2 हो, एक्स की वैल्यू 2 हो, तो हमें वाई जो है वो 7 मिल जाएगा। इस तरह आप जो सो आप अपनी मर्जी से वैल्यू एक्स की चेंज करें और उसके बदले में हमें एक आउटपुट मिल रही है। अब जिस वैल्यू को आप खुद अपनी मर्जी से पुट करें वो जाएगा डोमेन में, वो फंक्शन की डोमेन होगी। और डोमेन की वैल्यू को पुट करने के बाद, या समय एक्स की वैल्यू को पुट करने के बाद, वाई आपको एक्स के हिसाब से मिलता है, तो ये जो वाई है ये हमारे पास रेंज में आती है। अब देखें, जिस वैल्यू को आप पुट कर रहे हैं वो डोमेन है, और उसके बदले में जो हमें एक वैल्यू मिल रही है वो हमारे पास रेंज हो गई। अब इस कॉन्सेप्ट को हमने अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, साथ साथ हम इसके कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। कौन सा फंक्शन किस तरह का हो तो उसकी डोमेन कैसी होगी और उसकी रेंज कैसी होगी। अब देखिए, इसमें एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, जी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5। अब यहाँ देखें, एक लीनियर फंक्शन है, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसकी वेरिएबल की पावर 1 हो। अब इसमें याद रखना है, जब लीनियर फंक्शन हो तो हमेशा उसकी डोमेन भी रियल नंबर होगी, रेंज भी रियल नंबर होगी, कोई भी लीनियर फंक्शन। कैसे, आप यहाँ अपनी मर्जी से एक्स को रिप्लेस कर सकती हैं, आप एक्स को पॉजिटिव भी रिप्लेस कर सकते हैं, नेगेटिव भी रिप्लेस कर सकते हैं, उसके बदले में आपको आउटपुट मिलेगी, लाजमी तौर पे मिलेगी। हर वो वैल्यू जिस पे आपको आउटपुट मिलती है वो डोमेन है और आउटपुट आपकी रेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास चूंकि एक लीनियर फंक्शन है, इसकी जो डोमेन है हमारे पास डोमेन ऑफ जी एफ एक्स, जी एफ एक्स की डोमेन हमारे पास सारे रियल नंबर होंगे। इसी तरह इसकी रेंज जो है, रेंज ऑफ जी एफ एक्स, ये भी हमारे पास सारे रियल नंबर। तो जहाँ भी आपको लीनियर फंक्शन नजर आएगा तो वहां उसकी डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर होगी। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पे है, अब जरा देखेंगे तो वजह से। अब है हमारे पास x²-4√। अब इसको हमने क्या करना है, x²-4√। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है, हर वो वैल्यू, हर रेडिकल वैल्यू जो है उसकी डोमेन आप किस तरह देखेंगे और रेंज किस तरह देखेंगे। सबसे पहले हम इसको डोमेन यानी इसकी डोमेन देखते हैं, डोमेन। अब इसमें हमेशा आप याद रखेंगे x²-4 जो उसका रेडिकेंड है, जिस रेडिकल के अंदर वैल्यू मौजूद है उसको आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना। ये वाली वैल्यू या ग्रेटर हो सकती है या इक्वल हो सकती है 0 के। अब यहाँ से अगर आप एक्स को फाइंड आउट करें तो x²≥4, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास x≥2 आ जाएगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू या 2 के बराबर होगी या 2 से बड़ी होगी, उससे छोटी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जब छोटी वैल्यू आएगी तो रेडिकल में माइनस का साइन आएगा,
तो वहां हमारा सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें सिर्फ वो वाली वैल्यूज लेनी है जिनका आपके पास आंसर आएगा, सोल्यूशन आएगा। जब आप इसकी लिखेंगे डोमेन, तो डोमेन में क्या आएगा, 2 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी, इंटरवल जरा देखें हम इंटरवल को कैसे देखते हैं। इंटरवल अब देखें, जहाँ दोनों इस तरह के ब्रैकेट है इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है। उसके बाद अगर इस तरह हो तो इसका मतलब ये हमारे पास साइड क्लोज है, ये साइड ओपन है। और अगर इस तरह हो इसका मतलब ये ओपन साइड है, ये क्लोज साइड है। और अगर दोनों इस तरह हो जाए तो इसका मतलब दोनों साइडें क्लोज है। इस क्लोज का मतलब ये इन्वॉल्व होता है नंबर, जहाँ ओपन होगा वो नंबर इन्वॉल्व नहीं होगा, क्लोज का मतलब नंबर इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू बिटवीन टू इन्वॉल्व है, तो टू वाली साइड जो क्लोज कर देंगे, दूसरी साइड ओपन कर देंगे। ये डोमेन आ गई। अब इसके अगर हम रेंज देखें, रेंज क्या होगी, तो ये पॉइंट याद रख लें, रेडिकल का साइन जहाँ भी होगा उसकी जो रेंज होगी वो हमेशा हमें पॉजिटिव रियल नंबर देगी, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहाँ आर पॉजिटिव मीन ये पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसे भी लिखते हैं, या हम इसको 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऐसे भी लिखते हैं। ये जीरो वाली साइड क्लोज करते हैं, जीरो इन्वॉल्व होता है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट अगर हम इसका पार्ट नंबर 3 देखें, हम यहाँ देखें फिर रेडिकल का साइन, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आप क्या करेंगे, x+1 > 0, x > 1 = -1। अब देखें इसकी जब आप डोमेन लिखेंगे, डोमेन क्या होगी, डोमेन हमारे पास -1 > -1 to positive infinity, -1 से बड़ा नंबर। अब नेक्स्ट अगर आप इसके रेंज की बात करें, रेंज के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी रेडिकल का साइन होगा वहाँ हम क्या करेंगे, इसकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर लिखेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर ऐसे लिखेंगे, या 0 to infinity। ये पार्ट नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट 4 g(x) = x-3 modulus। अब मॉडुलस का साइन है, अब ये जो मॉडुलस का साइन है इसका मतलब हमेशा हमारा आंसर जो है या रेंज जो है क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, रेंज पॉजिटिव हो। आप इसमें नेगेटिव नंबर पुट करें, आप इसमें पॉजिटिव पुट करें, आंसर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। लेट से अगर यहाँ मैं -2 पुट करता हूँ, -2 - 3 modulus, आंसर तब भी +5 आएगा। और अगर यहाँ मैं 8 पुट करता हूँ, 8 - 3 modulus, तो आंसर तब भी +5 आएगा। तो एक बात यहाँ से कंफर्म है, पता चल गई कि हम नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं और पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं। तो जब आप इसकी डोमेन लिखेंगे, डोमेन क्या होगी, डोमेन हमेशा हमारे पास रियल नंबर होगी। और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज में हमारे पास क्योंकि पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर इसका कभी भी नहीं आएगा, तो इस वजह से पॉजिटिव रियल नंबर होगी, या आप इसको 0 to positive infinity लिखेंगे। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 जो है इसके, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, ये दोनों जो है एक ही पैटर्न पे हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये पीस वाइज फंक्शन है हमारे पास, पीस वाइज फंक्शन क्यों है, अब x < or = -2 है, फिर > -2 है, तो यानी दो पार्टीशन कर देगी, एक स्पेसिफिक लिमिट के लिए एक फंक्शन और है, दूसरे के लिए फंक्शन हमारे पास और है। अब इसकी जब हम डोमेन लिखेंगे, अब जरा देखेंगे तवज्जो से, x < or = -2, अब -2 पुट करेंगे इसमें, ओरिजिनल यानी जो फंक्शन दिया मैंने, 6 * -2 + 7, तो ये हमारे पास -5 आ गया। और नीचे वाले फंक्शन के लिए भी -2 पुट करें, 4 - 3 * -2 - -6 + 4, 10 आ गया। अब यहाँ < or = -2 मीन वैल्यू जो है -5 से क्या होगी, लेस होगी हमारे पास। आप इसकी जब डोमेन लिखेंगे किस तरह लिखेंगे,
डोमेन। अब डोमेन में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जरा देखें डोमेन में, अगर इसको इस तरह देखें, ये हमारे पास लाइन है, ये -2, -2 से छोटा नंबर, ये इधर को जाएंगे -2 लेस देन और इक्वल, इट मीन ये -2 इस जगह पे इन्वॉल्व हो जाएगा, और ग्रेटर देन -2 मीन यहाँ -2 इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अब देखें जब हम यूनियन देते हैं तो यूनियन में एक जगह -2 इन्वॉल्व है, एक जगह -2 इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर -2 इन्वॉल्व हो जाएगा। जब -2 इन्वॉल्व होगा तो आपकी जो डोमेन बनेगी वो -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगी, इसका मतलब सारे रियल नंबर बनेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको अगर आप इस तरह लिखें -∞ टू -2। अब एक जगह -2 इन्वॉल्व है, इसको क्लोज कर दें, इसको ओपन कर दें, यूनियन जब लेंगे तो फिर ये -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ ओपन इंटरवल रखेंगे -2 के साथ, क्योंकि एक जगह इन्वॉल्व है, एक जगह इन्वॉल्व नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी तमाम रियल नंबर भी लिख सकते हैं। जब हम लिखेंगे इसकी रेंज, तो रेंज जरा देखेंगे तवज्जो से, अब रेंज में -5 आया, अब ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसके लिए क्या होगा, -5 टू, हम चूंकि लेस देन और इक्वल टू चल रहे हैं, -∞ तक जाएंगे, यानी इसको इस तरह लिखें -∞ टू -5, यहाँ क्लोज कर दें, क्योंकि यहाँ लेस देन और इक्वल का साइन यूनियन। अब यहाँ क्या होगा, 10 से वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास इसकी रेंज होती है। मेरे ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखें तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे। अब देखें जब आप इसकी डोमेन लिखेंगे, हम पहले डोमेन लिखते हैं उसके बाद हम रेंज पे जाते हैं। डोमेन में अब क्या होगा, उसी तरह अगर आप लाइन में देखें तो ये 3 है हमारे पास, एक जगह एक्स लेस देन 3 है, यहाँ 3 इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इट मीन यहाँ 3 इन्वॉल्व हो रहा है, एक जगह इन्वॉल्व हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप 3 को इंक्लूड करेंगे। जब ये इसकी डोमेन लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -∞ टू 3, ओपन इंटरवल यूनियन, फिर हो जाएगा 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। या हम इसको किस तरह लिखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह -∞ टू इन्फिनिटी, या हम इसको सारे रियल नंबर कर दें, या तीन तरह से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी रेंज है, रेंज के लिए देखेंगे, रेंज में हमारे पास क्या होगा, x-1, अब इसमें x की वैल्यू पुट करें तो 3-1 2 हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, 2 × 3 + 1, तो ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, लेस देन है तो ये हो जाएगा -∞ टू 2, दोनों ओपन क्योंकि इक्वेलिटी का साइन है, यूनियन, अब इधर 3 के साथ इक्वेलिटी है, तो ये हो जाएगा 7 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारे पास इसकी रेंज बन गई। ये था पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट लास्ट दो पार्ट है हमारे पास 7, 8। अब ये देखें ये दोनों एक जैसे, अब इनके लिए कॉन्सेप्ट सेम। अब इसके लिए क्या होगा, आपके पास कभी भी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, यानी आपके ओवर में यहाँ 0 कभी नहीं आना चाहिए, तो जब 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब हम इसको एक्स इस तरह लिखते हैं, x+1 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू -1 आ जाए। हम क्या करेंगे जब इसकी डोमेन लिखेंगे, अब देखें हम सारे पॉजिटिव, ये सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं सिवाय -1 के, -1 पुट नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर -1, -1 को हम स्किप कर देंगे, ये एज सेट हम माइनस कर रहे होते हैं, तो आप इसलिए पेरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। इसी तरह जब रेंज लिखेंगे तो रेंज कैसे लिखेंगे, सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन उसमें 0 नहीं आता, क्योंकि -1 को जब पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये 0 नहीं आना चाहिए, इस वजह से हम 0 को एक्सक्लूड कर देंगे, खत्म कर देंगे।
इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, इसमें भी हम x माइनस 4 को 0 के इक्वल नहीं करेंगे, ये x इज नॉट इक्वल टू 4, इसको पुट करेंगे तो डोमेन हमारे पास आ जाएगी इसकी, डोमेन ऑल रियल नंबर -4। इसी तरह रेंज में क्या होगा, 0 को माइनस कर देंगे, ऑल रियल नंबर -0। ये थे डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट, उम्मीद है समझ गए इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट इसका एक पार्ट हमने देखना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया, एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, और एफ ऑफ टू जो है ये हमारे पास -3, और एफ ऑफ -1 जो है 0। कहा गया कि ए और बी फाइंड करके दो, ए बी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। एफ ऑफ टू -3, इसका मतलब एक्स की जगह हम 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस ए इंटू 2 स्केयर प्लस बी इंटू 2 माइनस सॉरी +1, 2 क्यूब 8 माइनस ए इंटू 2 स्केयर 4 प्लस 2b+1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा -4a +2b और ये +9, और ये हमारे पास -3 के इक्वल, हम इसको इक्वल टू -3 करेंगे तो ये आ जाएगा -4a +2b इक्वल टू -3 -9। यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a-b, इधर से -12 आ जाएगा, -2 को इधर डिवाइड कर देंगे, -2a-b इज इक्वल टू -12/-2, तो 2a-b इक्वल टू 6 आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। फिर हमने एक्स की जगह -1 पुट करना है और उसको इक्वल टू 0 कर देना है, ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब माइनस ए इंटू -1 स्केयर प्लस बी इंटू -1 प्लस 1, ये हो जाएगा -1 क्यूब -1 होगा, माइनस ए इंटू पावर इवन है माइनस प्लस हो जाएगा +1 माइनस बी +1, +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा हमारे पास -a और -b इज इक्वल टू 0। हमने इसको इक्वल टू 0 करना है, अब इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे ताकि हम b वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो सके, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये देगा 2a-b इज इक्वल टू 6, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास b कैंसिल हो जाएगा, 2a+a 3a इज इक्वल टू 6, यहाँ से a क्या बनेगा 6/3, तो a हमारे पास 2 आ जाएगा। हमें b फाइंड आउट करना है, a को हम इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2 बिकम्स, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2+b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b हमारे पास -2। ये था हमारे पास पार्ट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद है समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोमेन और रेंज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पर टेस्ट होता है, इसको अच्छी तरह करेंगे समझेंगे, और कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इन क्वेश्चंस को करें समझें, कोई इशू हो तो आप डिस्कस करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मास्टर देखें इसको समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह।